स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, इजराइल वॉर रूम का ये ट्वीट है और इसमें इन्होंने पाकिस्तान के टीम का मजाक बनाते हुए कहा कि आपको बाकी आलतू फालतू चीजों पर ध्यान देने से बेहतर होगा कि आप ध्यान दें अपने क्रिकेट पर। अब ये क्यों मजाक बनाया इजराइल वॉर रूम ने, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने T20 वर्ल्ड कप मैच को हार गया। सबसे पहली बात कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका के पास क्रिकेट टीम भी है और ऐसा कैसे हो सकता है। आप इसी ट्वीट में देख सकते हैं हसन साजियानी, इनका कहना है कि वेट व्हाट, अमेरिका के पास एक क्रिकेट टीम है और उसने पाकिस्तान को हरा दिया। ये इस वक्त मीम का कारण बन रहा है, लेकिन इस टीम के वर्दी के पीछे कौन कौन थे, टीम की यूनिफॉर्म के अंदर असल में कौन थे, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कैसे पाकिस्तान हारा है और एक बार को एक बड़ी सी खुशी भी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क, पाकिस्तान के व्यापारी और भारत के अर्थव्यवस्था का क्या हाल है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट किनका है, एलन मस्क का है और एलन मस्क ने इस ट्वीट में कहा है कि बधाई हो, इतने बड़े लोकतंत्र आप जीत गए और आप फिर से PM बने। साथ में उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए भारत में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ और मैं आगे बढ़कर मेरी कंपनियां आपके यहाँ काम करेंगी। ये ना एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। क्यों संकेत दे रहा है, आपको याद होगा एलन मस्क अप्रैल महीने में ही भारत आने वाले थे, अचानक से उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं और वो चाइना चले गए। चाइना में उन्हें जो फायदा वायदा मिला सो मिला, पर हो सकता है एलन मस्क को जो पूरा भरोसा था कि हाँ भारत में PM मोदी की सरकार आएगी, ये उस वक्त थोड़ा डगमगाया होगा, इस वजह से भारत ना आकर चाइना पहुंचे, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइना की तरफ से एक अलग प्रेशर था। पर एक बार फिर से PM मोदी सत्ता पे आ चुके हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये स्टेबल है, अगर कोई इसे कमजोर समझने की गलती करता है तो वो गलत है। ये पूरे 5 साल न सिर्फ टिकेगी बल्कि इकोनॉमी से लेकर हर चीज को उसी धर्रे पर मजबूत करेगी। और ये फर्स्ट एग्जांपल आपको आर्थिक तौर पर दिख रहा है कि एलन मस्क ने यहाँ पर कहा कि हमारी कंपनियां आपके साथ काम करना चाहती है, यानी वापस से ये उसी जगह पे पहुंच गए कि हाँ भाई अब तो स्टेबल है, 5 साल है, इतना बड़ा बाजार है, हमें आना है और काम करना है। भारत के लिए ये एक बहुत बढ़िया संकेत है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और खबर देखिए, रॉयटर्स की खबर है जहां पर भारत का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर चला गया है, $651.5 बिलियन May 31 तक, और इस हफ्ते तक कहा जा रहा है इसमें 4.8 की बढ़ोतरी हुई है और ये एक बहुत बढ़िया साइन है। क्यों बढ़िया साइन है, इसलिए क्योंकि अगर आपका फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है तो दुनिया भर के निवेशकों का आपके ऊपर भरोसा मजबूत है, और आपके ऊपर अगर भरोसा मजबूत है तो निवेश आएंगे, इकोनॉमी डगमगाएगी नहीं। दुनिया में अभी हालात देख रहे हैं, तुर्की के घर में लंगर लगने शुरू हुए हैं NGO के, लोग वहां जाकर खाना खा रहे हैं, आप समझ सकते हैं उस देश की हालत क्या हो रही है, 75% महंगाई है। वैसा ही पास हर जगह इकोनॉमी की क्लास लगी हुई है, ऐसे में अगर निवेश आता है तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन शेयर मार्केट का जो हाल हुआ था उसे देखकर लगा था कि पता नहीं भारतीय इकोनॉमी के ऊपर भरोसा होगा या नहीं होगा, लोगों को आगे भारत में निवेश होगा या नहीं होगा, पर ये सारी चीजें हटती हुई छटती हुई दिख रही है। फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़िया दिख रहा है और धीरे धीरे बाजार भी वापसी कर रहा है। एलन मस्क जैसे व्यापारियों का ये ट्वीट बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन सब में एक बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन है साजिद तरार। साजिद तरार ने एक बहुत बड़ी बात कही है और वो बेहद खुश हैं कि भारत के PM मोदी यहाँ पर सत्ता में आ रहे हैं। और आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा था कि जो भी पाकिस्तानी हैं वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे PM मोदी को, लेकिन पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार ने कहा कि PM मोदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं ग्लोबल साउथ के लिए बहुत जरूरी है और ग्लोबल साउथ के सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है।
आर्थिक तौर पर ये काफी तेजी से ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और इन पर दुनिया को भी भरोसा है। आपको बता दें, भारत ने अपने अड़ोस पड़ोस में सभी को न्योता दिया है एक पाकिस्तान को छोड़कर, और पाकिस्तान की तरफ से भी चुनाव के बाद भी ऐसे बयान आए थे फवाद चौधरी वगैरह से कि वो नहीं देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान से बधाई संदेश भी नहीं आया। हालांकि बधाई संदेश नहीं देने का कारण पाकिस्तान ने बताया कि अगर पहले ही हम दे देते ये प्रीमेच्योर हो जाता, इसलिए हमने नहीं दिया। पर अब जब चीजें क्लियर होने लगी हैं तो साजिद तरार ने कहा कि देखिए, भारत और पाकिस्तान को रिश्तों को सुधारना होगा। खासतौर पर पाकिस्तान पर उनका जोर ज्यादा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्ते ठीक कर लेने चाहिए। पीएम मोदी न तो पाकिस्तान के दुश्मन है, न ही इस्लामिक दुश्मन है, बल्कि वो इस पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक तौर पर बहुत मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफी शामिल हैं जो आ रहे हैं इस वक्त भारत में शपथ ग्रहण समारोह के अतिथि बनकर। और इससे एक बड़ा संकेत भी गया है कि सार्क को भारत मजबूत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं पाकिस्तान को एक झटका अमेरिका में लगा। अमेरिका में एक ऐसा झटका लगा जिसका मजाक इजराइल के वॉर रूम ने भी मचाया है। पाकिस्तान की टीम हार गई। किससे हार गई? अमेरिकी क्रिकेट टीम से। बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिएक्शन दिया है, आप देख सकते हैं। जब जाना कि अमेरिका का एक क्रिकेट टीम भी है और उसने पाकिस्तान को हरा दिया, तो ये कुछ इस तरीके के मीम भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी आश्चर्य हुआ। इजराइल वॉर रूम ने भी कह दिया कि भैया अपना कामकाज पे थोड़ा ध्यान दो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम क्रिकेट हार रहे हो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, न सिर्फ ये हार बल्कि एक अविश्वास वाली चीज थी कि आखिर पाकिस्तान अमेरिका से कैसे हार सकता है। पर कारण निकल कर सामने आया और कारण सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका से नहीं खेल रहा था, पाकिस्तान खेल रहा था भारत के टीम से। और भारत की कौन सी टीम? वो टीम जो H1 वीजा के तहत इस वक्त अमेरिका में है। भारतीय मूल के कई खिलाड़ी, सौरभ नेटवालकर इनके अलावे 5 और, कुल मिलाकर कहा जाता है अमेरिका की टीम में 6 खिलाड़ी थे, 6 के 6 भारतीय मूल के हैं, जिनके साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी ये बड़े बड़े पाकिस्तान के दिग्गज भिड़ने गए थे और ये वहां से हार कर आए हैं। अमेरिका के क्रिकेट के इतिहास में भारतीय मूल के इन खिलाड़ियों ने बहुत ही बढ़िया रोल अदा किया है और यही वजह है कि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।